होटल के बारे में कुछ रिव्यूज़ देने हैं, तुमको कुछ बताना है कि कैसा है क्या है, तो आई थिंक द फूड वाज रियली गुड, द डिनर का टाइम भी खाना अच्छा था, ब्रेकफास्ट के टाइम भी खाना अच्छा था. इट्स वेरी स्पेशियस. वैरायटीज थी कि नहीं? हाँ, खाने में काफ़ी वैरायटीज थी. अच्छा, खाना का प्रॉब्लम नहीं था. इट वाज वेरी स्पेशियस. एक्टिविटीज मतलब जितना मार्केट किया है ऑनेस्टली उतनी नहीं थी, राइट? वो बॉल फेंक के ग्लासेस गिराना जो हम लोग मेले में करते थे, वो भी सिर्फ वन टर्न पर पर्सन. क्या है ये? कम ऑन, लाइक दैट वाज अ लिटिल स्टूपिड इन माय ओपिनियन. बट आई फील लाइक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एडवर्टाइज की थी, उतनी थी नहीं. जैसे लाइक नेल आर्ट लिखा हुआ था, बट व्हेन आई वेंट टू द काउंटर दे सेड नहीं, सिर्फ नेल पॉलिश लगा के देंगे. आई एम लाइक दैट्स नॉट नेल आर्ट, तुम सिर्फ नेल पॉलिश लगा रहे हो. लाइक a little bit misleading, I wouldn't say false advertising, misleading advertising. But the pool was really nice, it was very scenic. रात को मतलब ऐसे lights वगैरह जला के बहुत सुंदर था, pretty था, like you know, अच्छे Instagram pictures and everything आ सकते हैं. Room was decent, room was like any other room, right? तो अगर तुम्हें अगर यहाँ पर विजिट करना है, एक्चुअली महाबलेश्वर में विजिट करना है, तो सबसे बेस्ट जो अच्छा टाइम होता है सीजन के टाइम होता है. अभी तो क्या है, मार्च का टाइम है जिसमें गर्मी है, तो गर्मी के टाइम शाम को सीजन अच्छा हो जाता है, लेकिन हाँ दिन के टाइम पे आप नहीं निकल सकते. हाँ, मतलब यहाँ पर मतलब 4-5 बजे निकल ही सकते हो. पूरे ईयर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना वेदर यहाँ ऊपर ठंडा रहता है, इतना गर्म नहीं होता, क्योंकि अब ट्रीज वगैरह बहुत सारे है ना, तो इस वजह से यहाँ पर वेदर मतलब तुमको ऐसे शांत मतलब होता ना ठंडा वेदर, गर्म नहीं रहेगा, नॉर्मल वेदर, अच्छा वेदर रहेगा, ऐसे गर्मी वाला फील नहीं आएगा. तो लोग यहाँ पर गर्मी के टाइम पे भी ऐसे वेकेशन वगैरह के लिए तो स्पेंड करने के लिए आते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अच्छा है महाबलेश्वर. मतलब ऐसा नहीं गर्मी में तुम वन डे ट्रिप, टू डे ट्रिप, या फिर अगर कोई तुमको डिसेंट सा कोई होटल मिलता है जो तुम्हारे बजट में हो, तो वीकेंड के लिए होता ना कि हाँ पूरे वीक 5-6 दिन के लिए आराम से मस्त. काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मंकी पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट, और विल्सन पॉइंट, एंड जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं उसमें एक लेक व्यू होता है, तो वो लेक व्यू भी है. लेकिन बेस्ट जो सीजन है मुझे लगता है कि बारिश के टाइम पे यहाँ सबसे मानसून सीजन सबसे बेस्ट होता है. कि अगर किसी को आना है महाबलेश्वर में, अगर बोलते ना कि अपना जो भी है तुमको अपने जितने तुम पैसे खर्च करोगे रहने के लिए, पेट्रोल जाने जाने के लिए सारा सब कुछ, तो अगर वो तुमको पूरा पूरा वसूल करना है, तो मानसून के सीजन में पहले ठीक है तुम्हारा बजट ज़्यादा बढ़ जाए जो भी है, लेकिन तुम पूरा वर्थ है, मतलब एंजॉय करोगे पूरा का पूरा जो सीजन है उसको, जो मॉनसून सीजन है उसको एंजॉय करोगे, या फॉगी वेदर और जाकर क्लाइमेट को काफ़ी एंजॉय करोगे. तो मेरे अकॉर्डिंग और तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको विजिट करना है तो बेस्ट टाइम आपका मॉनसून टाइम है, तो बारिश के टाइम पे आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करो और यहाँ पर जाओ आओ. और यही मेरे लिए तो मैं तो सबसे बेस्ट मेरे लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आप यहाँ मॉनसून के टाइम पे आओ. ओके. और मॉनसून में भी लाइक लेटर मॉनसून जो रहता है, नॉट लाइक स्टार्टिंग बिकॉज ये मुंबई पुणे के लोग पागल होते हैं. हाँ, तो सब आके पड़ीक रहते हैं. वी आर वन ऑफ दोस, सो वी आर जस्ट मिड में आ जाओ या लेट आई वुड से लाइक हाँ लाइक जुलाई वगैरह तो मत सोचो, जून जुलाई तो मत सोचो, आई वुड से लाइक अगस्त सितंबर जब मॉनसून खत्म हो रहा हो. एंड ट्राई करो कि वीकेंड ना हो के छुट्टी लेनी पड़े तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहेगा, काफी सारी है अभी, जैसे खाली जैसे सड़कें मिल रही, रोड मिल रहा है, इतना ट्रैफिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो वीकेंड पे ना आके वीकडेज में यहाँ पर विजिट करो. तो महाबलेश्वर के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीकेंड में ना आके वीकडेज में आओ, अच्छा है. ठीक है, अभी देखते हैं अगर कुछ मिलता है आपको तो बताने के लिए तो बताते बॉय बॉय बॉय.